मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, जिस पर पुलिस भी सरगर्मी से आरोपियों को पकड़ने में पीछे नहीं है। उसी क्रम में क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने 1,80,000 रुपए कीमत की ब्राउन शुगर नामक नशीले पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन अंतर्गत कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ बेचने आने वाला है, ऐसी सूचना क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम को मिली थी। वहीं क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की पुलिस ने मुखबिरों द्वारा बताए गए स्थान नालासोपारा पश्चिम स्थित हनुमान नगर मैत्री अपार्टमेंट के पास सड़क पर खड़े कुतुबुद्दीन मुस्तफा कायवाला नामक शख्स पर शक के आधार पर उसकी जांच की तो पुलिस को उसके पास से 18 ग्राम वजन का 1,80,000 कीमत का ब्राउन शुगर नामक नशीला पदार्थ बरामद हुआ। वहीं आरोपी के खिलाफ नालासोपारा पुलिस स्टेशन में NDPS की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह संपूर्ण कार्रवाई क्राइम के पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे, क्राइम के सह आयुक्त अमोल मांडवे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक प्रमोद बड़ाख, अभिजीत टेलर, उमेश भागवत, अशोक पाटिल, मनोज चौहान, मुकेश तटकरे, सचिन घेरे, सागर बरवाकर, मनोज सतपाल, आश्विन पाटिल, राकेश पवार, सुमित जाधव, सुनील पाटिल, युवराज वाघमोड़े, प्रवीण वानखेड़े आदि के प्रयास से यह ऑपरेशन सफल रहा। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।